देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह भारी बारिश होने से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में जलजमाव मुसीबत बना है। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। जलजमाव की वजह से दिल्ली के मंडावली और प्रहलादपुर इलाके में अंडरपास में वाहन फंस गए हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक पूरी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों बल्लभगढ़, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, तिजौरा, अलवर के आसपास हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश दर्ज होगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान समेत मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 9 से 11 जनवरी के बीच पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों के लिए खतरनाक ओलावृष्टि और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा 11 जिलों में मध्यम कोहरा पड़ने की भी संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।